हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। आज के शो में बात करेंगे रणवीर सिंह की, जिनके आने वाली फिल्म कंट्रोवर्सी में फंस गई है। सिंगर शान के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने इशारों इशारों में हनी सिंह के गानों का मजाक उड़ाया। साथ ही बताएंगे कि आखिर सलमान खान ने शाहरुख की फिल्म पठान में अपने कैमियो रोल के लिए फीस क्यों नहीं ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। पहली खबर है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की, जिसकी रिलीज को इस साल भी पोस्टपोन कर दिया गया है। फैंस के साथ साथ अब इस फिल्म के स्टार्स भी इस बात से खुश नहीं हैं। एक्टर गुलशन ग्रोवर ने इस मूवी के बारे में बात करते हुए कहा, पिछले साल जब ये फिल्म पोस्टपोन हुई तो मेरे दिमाग में था कि एक तरह से ये सही निर्णय है, हमें सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखना था, क्योंकि हम भी एक्टर्स हैं और हमें भी थिएटर्स में फिल्म प्रमोट करने के लिए जाना पड़ता। लेकिन ठीक एक साल बाद भी इस फिल्म की रिलीज का पोस्टपोन होना दिल दुखाने वाला है। गुलशन ने कहा, ये इंडस्ट्री के लिए कठिन समय है। सूर्यवंशी फिल्म इस साल 30 अप्रैल को रिलीज की जानी थी, मगर कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अजय देवगन और सिद्धार्थ रॉय कपूर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा गोबर। पहले तो इसका टाइटल सुनकर हमें भी अजीब लगा था, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म को गोबर नाम ही दिया है, जिसकी अनाउंसमेंट अजय देवगन ने आज दोपहर को की। फिल्म की कहानी 90 के दशक की होगी, जिसमें भर भर कर सटायर देखने को मिलेगा। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें एक आम आदमी की कहानी दिखाई जाएगी, जो जानवरों का डॉक्टर है और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। इसे डायरेक्ट करेंगे सबल शेखावत। ये फिल्म फ्लोर पर कब आएगी, इसमें किसे कास्ट किया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। वेब सीरीज स्कैम 1992 वाले प्रतीक गांधी जल्द ही गुजराती वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज का डायरेक्शन करेंगे अभिषेक जैन, जो इससे पहले गुजराती फिल्म रॉन्ग साइड राजू और केवी राइट जायेश जैसी फिल्में बना चुके हैं। प्रतीक गांधी की ये नई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। कहानी 80 के दशक की होगी, जिसमें प्रतीक एक छोटे से शहर में रहने वाले जुआरी का रोल प्ले करेंगे। इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। अर्जुन कपूर का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में अर्जुन ने एक बच्चे की फाइनेंशियली मदद करने की गुहार लगाई है, मगर उनके इस पोस्ट का लोग मजाक उड़ाने लगे। एक यूजर ने लिखा कि अर्जुन कपूर अपनी एक दिन की कमाई से इस बच्चे को आसानी से बचा सकते हैं। इस पर अर्जुन ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लिखा, अगर मैं एक दिन के 16 करोड़ रुपए कमा रहा होता तो मुझे इस पोस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं 16 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से मदद मांगी है। ऐसी बातें करने के बजाय इस बच्चे की मदद कीजिए तो अच्छा होगा। अर्जुन के इस रिप्लाई को लोगों ने खूब पसंद किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन जल्द ही एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसमें उनके साथ दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। आलिया भट्ट जल्दी संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आने वाली हैं। बीते दिनों खबर थी कि इस फिल्म में आलिया के दो डांस नंबर्स भी होंगे, मगर अब बताया जा रहा है कि आलिया की इस मूवी में कोई डांस नंबर नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लैक मूवी की तरह सॉन्गलेस नहीं होगी, लेकिन इसमें देवदास और सांवरिया जैसे डांस नंबर्स भी नहीं होंगे। संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए कुछ गानों को कंपोज किया है, मगर उनमें आलिया का डांस नहीं होगा। आलिया भट्ट की फिल्म इस साल 30 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बीते दिनों खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन जल्द ही वसन बाला की फिल्म फैंटम की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस मूवी को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करने वाले थे, मगर अब ये फिल्म कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। इस साल सितंबर के महीने से इसकी शूटिंग शुरू की जानी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना को देखते हुए फिलहाल इस मूवी पर काम रोक दिया गया है। मेकर्स का कहना है कि एक बिग बजट की फिल्म है, इसलिए इस पर तभी काम शुरू होगा जब इंडस्ट्री के हालात ठीक हो जाएंगे। फैंटम के अलावा कार्तिक रॉनी स्क्रूवाला के साथ एक और फिल्म करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, मगर मूवी का डायरेक्शन हंसल मेहता करेंगे। ये फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड होगी, जिसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। अब खबर रणवीर सिंह की फिल्म अनियन के हिंदी रीमेक की, जिसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिनों डायरेक्टर शंकर ने अनाउंस किया था कि वो रणवीर सिंह के साथ साउथ की सुपरहिट फिल्म अनियन यानी अपरिचित का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद अनियन के प्रोड्यूसर विश्वनाथ रविचंद्रन ने डायरेक्टर शंकर को नोटिस भेज दिया है। रविचंद्रन का कहना है कि उनके परमिशन के बिना ही हिंदी रीमेक को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो वो मूवी के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजेंगे। इस पर डायरेक्टर शंकर ने उन्हें रिप्लाई किया। उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी में लिखा है, मैं आपका मेल पढ़कर हैरान हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि साल 2005 में जब फिल्म अनियन रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े सभी लोग जानते थे कि मूवी की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन मैंने लिखी है।
सिर्फ यही नहीं, फिल्म के क्रेडिट्स में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में मेरा नाम लिखा था। मैंने किसी को भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने को नहीं दी और स्क्रिप्ट पर मेरा ही अधिकार है जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब इस कॉपीराइट की जंग में आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रणवीर सिंह की ये फिल्म बनने से पहले ही चर्चा में ज़रूर आ गई है। सलमान खान जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म पठान में दिखाई देंगे। उनका इस मूवी में कैमियो रोल होगा। शाहरुख और सलमान ने एक साथ फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है। अब खबर है कि इस मूवी में अपने पार्ट के लिए सलमान ने कोई फीस नहीं ली। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जब आदित्य चोपड़ा ने सलमान से उनकी फीस पूछी तो उन्होंने कहा कि शाहरुख उनके भाई के जैसे हैं, इसलिए वो इस फिल्म के लिए फीस नहीं लेना चाहते हैं। मगर फिर भी आदित्य चोपड़ा उन्हें फीस देना चाहते हैं तो उस फीस को टाइगर 3 और पठान के बजट में आधा आधा लगा दें ताकि दोनों फिल्मों को फायदा हो जाए। अब सलमान का फीस ना लेना उनकी दिलदारी है या समझदारी, ये फैसला हम उनके फैंस पर ही छोड़ते हैं। मगर इतना जरूर है कि पठान फिल्म को देखने के लिए अब SRK के साथ साथ सलमान के फैंस की भी भीड़ जरूर जुटेगी। पठान की बात करें तो इस मूवी में शाहरुख के साथ जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और डिंपल कपाड़िया भी नजर आने वाले हैं। चांद सिफारिश और हे शोना जैसे गाने गाने वाले सिंगर शान ने रैपर हनी सिंह के गानों का मजाक उड़ाया है। शान का मानना है कि बीते कुछ सालों में देश में हिंदी गानों का स्तर काफी गिर गया है। आस्क मैन इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में शान ने बिना नाम लिए हनी सिंह के गानों की बुराई कर डाली। उन्होंने कहा, आज रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है कोई गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें कोई संगीत है ही नहीं इसलिए। अगर कोई गाना बना रहा है 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का तो इसे आप भी गा सकते हो। आज ब्लू है पानी पानी, लुंगी डांस आप भी कर सकते हो। शान ने कहा कि म्यूज़िक की समझ बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए हमें बस इतना करना है कि अच्छा म्यूज़िक देना है ताकि लोगों का संगीत में अच्छा टेस्ट बने। बीते साल लॉकडाउन में टीवी पर रामानंद सागर की रामायण को टेलीकास्ट किया गया था। इस साल फिर से शो को टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। शो में सीता की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि रामायण को एक बार फिर छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट किया जाएगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। ये शो न सिर्फ मेरी बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। ये शो रोज शाम 7 बजे स्टार भारत पर टेलीकास्ट किया जाएगा। बीते साल इसने TRP के मामले में इतिहास रच दिया था। ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था। तो बस आज के सिनेमा शो में बड़ी खबरें इतनी ही। वीकेंड है तो आपको सजेस्ट करेंगे मूवी और वेब सीरीज। पहली है AR रहमान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 99 सॉन्ग्स, जो आज ही रिलीज हुई है। अगर आप इसे थिएटर में देखने जा रहे हैं तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। वॉट टू वॉच लिस्ट में दूसरा नाम है वेब सीरीज़ रात बाकी है का, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अनूप सोनी की वेब सीरीज़ आपको Zee5 पर देखने को मिल जाएगी। बस अब मैं विदा लेती हूँ, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए टी लल्लन टॉप। शुक्रिया।